लास्ट में, ये हॉट पिंक, ये बेबी पिंक, और ये तुम्हारा आ गया ऑफ वाइट ब्राउन, सारे कलर हैं ऑलमोस्ट। और साथ में एक मिरर दिया हुआ है इन्होंने, और ये दो ब्रश हैं। तो अभी जस्ट मैंने ना क्या कहते हैं जो मेरे पास रहे उसे ओपन करना था, अनबॉक्सिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने आज फर्स्ट टाइम ये कैमरा लगाया है, तो कैमरे के साथ शूट करूँगी। तो ये मैं फ़ोन से कर रही थी, मैं आपको सेटअप दिखा रही थी। ये रिंग लाइट लगी हुई है और ये बड़ी बड़ी लाइट रखी हुई है स्टैंड पे, और ये कैमरा है, और सामने ये रहा हमारा पार्सल। अभी जस्ट स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। देखो पहले ही मेरे को आधा घंटा लगा इसे सेट करने में। तो गाइज़ कैमरे के साथ कैप्चर करना था बट कैमरा चला नहीं है, तो अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी ऑलमोस्ट सारी जो मैंने पार्सल मंगाया था, बट उसमें अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं हुआ, तो मेरे को फ़ोन से कैप्चर करना पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये आई शेडो मंगवाई थी ऑनलाइन, तो ये 3D मैट की, पहले ये इसमें आया था, इसमें डाल रखा था इन्होंने, फिर उसके बाद में इसमें, फिर इसमें, उसके बाद ये जो है आई शेडो इसमें थी, ये है 3D प्लेट आई शेडो की, ये मेरे को पड़ी है 35 रिंगिट की, और ये है पूरी की पूरी। ये देखो कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने पैकिंग कर रखी है इसकी, प्रोफेशनल आई शेडो आई मेकअप। और इसमें है ये देखो सारे कलर हैं ऑलमोस्ट, और साथ में एक मिरर दिया हुआ है इन्होंने, और ये दो ब्रश हैं। ये मंगवाया था मैंने ऑनलाइन, ये है 35 की, और एक है साथ में ये काजल मंगवाया था मैंने, ये काजल मेरे को पड़ा है 20 रिंगिट का, और काफ़ी अच्छा है ये भी। ये दो, एक है ब्राउन और एक है ब्लैक, ये दो इन्होंने दिए हुए हैं ब्रश, मैं दिखाई देती हूँ आपको। ये देखो ये ब्राउन कलर का है और ये है ब्लैक, ये ब्लैक कलर का है, तो ये लाइनर थे। और इनके साथ इन्होंने मेरे को ये होती है ना जो क्या कहते हैं लिप स्क्रब, ये इन्होंने मेरे को बिल्कुल फ्री दिया इनके साथ, नहीं ये वैसे देते नहीं होते। तो ये था मेरा पार्सल, अभी दो पार्सल मेरे और आने बाकी हैं। तो कमेंट करके बताना किस किस को ये सही लगी। ये है मैट की 3D प्रोफेशनल आई शेडो, काफ़ी टाइम से मेरा था कि मैं लूँ, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, 2 दिन पहले मेरे को दिखी थी ये, तो मैंने ऑर्डर कर दी, तो आज आ गई, तो काफ़ी सही है। ये है मिस मेलानी की है ये। तो अभी जस्ट मैं ट्राई करने लगी थी, पहले लाइनर लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है कैसा नहीं, ब्लैक ट्राई कर रही हूँ, वैसे मैंने कभी लगाया तो है नहीं इसके साथ, लेट्स सी ट्राई करते हैं। वैसे कह रहे हैं बटरप्रूफ है ये, पहले मेरा लाइनर था ना वो काफ़ी ज़्यादा आँखों में लगता था, सही लगेगा गाइस, सही, आँखों से पानी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरी आँखों में से बहुत पानी आता है अगर मैं कुछ लगा लूँ। अब मैं लगाती हूँ शेडो, ब्लू लगा के देखती हूँ शेडो। लगा के देख रही हूँ, ये देखो स्मोकी आईज, मैंने ये ब्लिस्टिक के शेड भी बना सकते हैं, ये देखो कितना कुछ दिख रहा है, ये वाले सारे शेड बना सकते हैं, लिपस्टिक के नीचे जो है ये हम आई शेड पे यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये हॉट पिंक, ये बेबी पिंक, और ये तुम्हारा आ गया ऑफ वाइट ब्राउन, ये थोड़ा लाइट आ गया फाउंडेशन कलर, और ये भी फाउंडेशन के, और ये सारे के सारे हम लिपस्टिक के शेड लगा सकते हैं। चलो हम देखेंगे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, आप कमेंट करके बताना किसी को अच्छी लगी है। ओनली ये पड़ी है मेरे को 35 रिंगिट, ये मेवलॉन की मिस मेलानी। तो गाइज बस जस्ट यही मैंने दिखाना था, ये आई शेडो। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ये लॉन्ग वाले ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई होप कि जैसे कि हमारे नेक्स्ट सितंबर में 17-16 का हमारा पब्लिक हॉलीडे है यहाँ पे, तो मे बी वहाँ उस टाइम पे हम जाएंगे लॉन्ग वीडियो शूट करने के लिए,
या जाएंगे हम केल जाएंगे, और या फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी गार्डन है वहाँ पे, तो वहाँ का ब्लॉग आई होप कि जल्दी हम लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। और दिवाली पे हम जाएंगे मलक्का सिटी, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके अलावा ब्लॉग तो मेरा हो गया ख़त्म, तो मैंने सोचा जो ब्लॉग के बाद का थोड़ा मैस होता है वो भी दिखाया जाए। तो अभी जस्ट मेरे को फिर सारे का सारा ये जो सामान मैंने आपको दिखाया है ना, ये पार्सल अभी सारे का सारा ये समेटना है। तो खिलारा इतना ज़्यादा खिल रहा हुआ है, आपको दिखाऊँ एक बार। अभी ये इकट्ठे करके रखनी है मैंने रिंग लाइट, और ये होगी तुम्हारी दुई, वीडियो शूट करने के लिए जो कैमरा की लगाई थी। ऑब्वियसली कैमरा चला नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत आई है उसमें। और अभी दिखाऊँ आपको एक बार बैठ कर क्या मैस हुआ पड़ा है। ये देखो, जो कोई भी ब्लॉगर दिखाता नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये देखो, सारा का सारा समेटना पड़ेगा मेरे को सारा सामान। ये हमारी कैमरा की दो बैटरीज पड़ी हैं, बैटरीज तो पर चल रही हैं पर कैमरा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। और अभी ये करना है फिनिश। चलो ठीक है, बाय बाय।